Children, welcome back. Today we are going to study subject English grammar, chapter number 6, adjectives, part 3. So students, in the last video or in the previous two videos, we have seen the meaning of adjectives and its various kinds. Okay, we have seen the 8 main kinds of adjectives. Let us revise. Okay, they were adjective of quality, adjective of quantity, number, demonstrative adjective, distributive adjective, interrogative adjective, possessive adjective, and indefinite adjective. These were the 8 main kinds of adjectives which we have seen earlier. So let us study now the participles used as adjectives. Okay, so past participles ending in ed form and some present participles ending in ing form can also be used as adjectives. Students, V1, V2, V3 और V4 verb हम देखते हैं, right? So V3 जो होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर past participle form जो खत्म होने पर ed आता है, जैसे कि jump का बनता है jumped, जो तो V3 form जो होता है jumped for example वो कहलाता है past participle. Okay, present participle में क्या आता है? उसमें आता है ing, जिसके पीछे लगता है ing. ओके, एंड सो बोथ द थिंग्स, द पास्ट पार्टिसिपल्स एज वेल एज द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. लेट अस सी फॉर विद द एग्जांपल. रमेश वाज वेरी एक्साइटेड इन हिज बर्थडे पार्टी. द वर्ड एक्साइटेड में ईडी लगा है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है जो यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो डिस्क्राइब कर रहा है रमेश के फीलिंग्स को. नेक्स्ट, an exciting event took place in the life of Ramesh. Again, Ramesh का हमने example दिया है. We have used the word exciting, ing लगा है. ये बन रहा है आपका present participle because यहाँ पर ing use हुआ है और ये adjective का काम कर रहा है, जो describe कर रहा है Ramesh के लिए. Okay, it describes the feeling of Ramesh. Okay, next, that is exercise number A, which is underline the adjectives and write them in the table. Two questions are selected over here. We have to underline the adjectives and in the same way we have to write them in the table. We have to bifurcate them. We have to segment them according to the kind of the adjective. हमें उन्हें divide करना है. Let us see in question number 1. This is quite a famous book. Okay. So adjective of kinds हमने पढ़े हैं. So पता चलेगा आपको. ओके, सो दिस जो है ये एक एडजेक्टिव है. दिस इज क्वाइट अ फेमस बुक. फेमस डिस्क्राइब कर रहा है बुक को. सो स्टार्टिंग विद दिस, ये जो है वो पॉइंट करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को. सो बनता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, जो लिखेंगे यहां पर. नेक्स्ट, फेमस बुक, बुक की क्या बता रहा है वो? क्वालिटी बता रहा है. सो यू राइट डाउन द वर्ड फेमस ओवर हियर. ओके, इन दिस वे यू हैव टू अंडरलाइन एज वेल एज यू हैव टू राइट इन द टेबल. एक्सरसाइज नंबर 8. नंबर 2 क्वेश्चन, द फोर्थ बॉय इन द लाइन इज माय फ्रेंड. अब नाउन है बॉय, तो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है. फोर्थ इन द लाइन इज माय फ्रेंड, और फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड माय. सो फोर्थ जो है वो यहां पर नंबर बता रहा है. ठीक है, सो यू राइट द नंबर हियर एज फोर्थ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एंड माय फ्रेंड, फ्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है माय. सो वर्ड्स लाइक माय, योर, हिज, हर डिस्क्राइब एज पजेसिव एडजेक्टिव. माय यहां पर लिखेंगे बिकॉज दे शो पजेशन ऑफ समथिंग, या तो फिर दे शो बिलोंगिंग ऑफ पर्सन और समथिंग. ओके, सो वी हैव डन विद दिस. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव कहां से बनता है, कैसे बनता है? We form an adjective from a noun, we form an adjective from a verb as well as from adjectives also. तीनों में से हम adjective बनाते हैं. वहां पर हमें क्या करना पड़ता है? We have to add a suffix. मतलब noun, verb और adjective के पीछे हमें कुछ word add करने पड़ते हैं, उन्हें हम suffix कहते हैं. Then it becomes an adjective. For example, profit is changed into profitable. ठीक है, मूव एक वर्ब है, बन गया मूवेबल. ब्लैक एक एडजेक्टिव है, बन गया ब्लैकिश. ओके, इन द
सेम वे ब्यूटी बनेगा ब्यूटीफुल, नेचर बनेगा नेचुरल, प्ले बनेगा प्लेफुल एंड लास्ट रीड बनेगा रीड एबल. इन दिस वे आपको दिए गए नाउंस वर्ब एंड एडजेक्टिव को कन्वर्ट करना है इनटू एन एडजेक्टिव. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज नंबर बी. यू हैव टू मेक एडजेक्टिव, जैसे हमने एग्जांपल में यहां पर देखा, यू हैव टू चेंज इट इनटू एडजेक्टिव. डेंजर का एडजेक्टिव बनता है डेंजरस. इन द सेम वे हार्म विल बिकम harmful. Okay, students, in this way you have to solve the exercise number A and B. So students, in this video we have studied use of participles, the past and the present participle, then formation of adjectives. Also we have solved exercise A and B. These things you have to write down in your notebook. Okay, and you have to try to find out answer in the textbook for exercise A and B also. So students, that's all for today. I hope you understood it. If any difficulty or doubts, we will sort it out in the Google Meet. So, thank you and bye-bye.